हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फ्रेश फार्मेसी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसिस सेकंड। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि मैं इस सब्जेक्ट को क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि गाइज जो फार्माकोग्नोसिस सेकंड है ये काफी ज्यादा टिपिकल सब्जेक्ट है और कई लोगों की इसमें ब्रेक आती है, तो मैंने सोचा कि इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूं। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि मैं इस सब्जेक्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, जिससे कि आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और गाइज, इससे पहले मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ाया था फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो कि एक 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट था, और वो बिल्कुल मैंने इजी लैंग्वेज आसान भाषा में समझाया था, और साथ ही साथ में मैंने हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए थे। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फार्माकोग्नोसिस सेकंड को आप कैसे पढ़ सकते हो, कौन कौन सी ट्रिक है जिनके थ्रू आप इनके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स कैसे याद रख सकते हो। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो भी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसिस सेकंड का यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसमें हम ब्रीफ स्टडी कर लेंगे मेटाबॉलिक पाथवे की और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। और आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, सिकमिक एसिड पाथवे, एसिटेट पाथवे, अमीनो एसिड पाथवे, इनकी स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ में स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज, ये भी कवर करेंगे। देखो गाइस, मैं ये सारे टॉपिक एक ही लेक्चर में कवर कर सकता हूँ, लेकिन होगा क्या कि जो लेक्चर होगा बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और फिर आपको बोरियत लगेगा, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। और मैं आपको बता दूं कि जो सिकमिक एसिड पाथवे है, एसिटेट पाथवेज है, इनमें क्या है, कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, कुछ केमिकल नेम्स होते हैं जो कि याद करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं एक लेक्चर में इनको कवर नहीं करूंगा। इसमें हम क्या करेंगे, इस यूनिट को हम 3 या फिर 4 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आप लेक्चर को देख भी सकते हो। और साथ ही साथ में रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। और साथ ही साथ में आप देख सकते हो कि मैं यहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा है, एक बार आप लेक्चर देख लोगे उसके बाद जब नोट्स पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिटरमिनेशन। तो मेटाबॉलिक पाथवे को समझने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म इज ए केमिकल प्रोसेस विच चेंजेस द फूड इनटू एनर्जी इन प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। देखो, मेटाबॉलिज्म आप लोग पहले से जानते हो कि मेटाबॉलिज्म क्या है, एक ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है जो कि हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और ये प्रोसेस कहाँ कहाँ होती है, ये प्रोसेस हमारे प्लांट्स और एनिमल में होती है। ऐसी केमिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अब जो मेटाबॉलिज्म होता है वो 2 टाइप का होता है, पहला कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखो, हम कोई भी फूड लेते हैं तो उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना ही कैटाबॉलिज्म प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। अब एनाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होती है, देखो जो कैटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे स्मॉल पार्टिकल्स में बड़े पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ता है, फिर तोड़ने के बाद में क्या करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, एनाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या होता है, इट यूजेस एनर्जी टू कंस्ट्रक्ट कंपोनेंट्स ऑफ दी सेल्स सच एज प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। जो हमारी कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, उस एनर्जी को यूज करके ये हमारे जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनको बनाने में कार्य करता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन्स बनते हैं हमारे, तो ऐसे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो लार्ज पार्टिकल्स को बनाते हैं, एनाबॉलिज्म प्रोसेस कहलाती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। मेटाबोलाइट्स आर दोज प्रोडक्ट्स एंड इंटरमीडिएट्स व्हिच आर फॉर्मड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, ठीक है। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स ऐसे प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि हमारी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान बनते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से मेटाबोलाइट्स होते हैं, एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, अमीनो एसिड्स हो गए, विटामिन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, एथिनॉल हो गया, एसीटोन एटसेट्रा, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये आपके क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। अब देखो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, पहला प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दूसरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर दोज मेटाबोलाइट्स विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट और एनिमल्स। देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि हमारे जो कोई भी प्लांट या फिर एनिमल है उसकी ग्रोथ,
डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब कौन कौन से होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, अमीनो एसिड, एंजाइम एटसेट्रा, ये क्या होते हैं आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो कि हमारी प्लांट या फिर एनिमल की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्शन है, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर दोज मेटाबोलाइट्स विच आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि हमारी प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही मिलकर बने होते हैं, एंड विच आर नॉट इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होंगे, हमारी प्राइमरी मेटाबोलाइट से मिलकर बने होंगे और वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऐसे मेटाबोलाइट्स को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स, स्टेरॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, ग्लाइकोसाइड एटसेट्रा, ये जितने भी आपके मेटाबोलाइट्स हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। और मैं आपको बता दूं, इस सब्जेक्ट में फार्माकोग्नोसिस सेकेंड में आपको यही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ने हैं। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको आपके किस प्लांट से मिलते हैं, कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके होते हैं, यही सब कुछ आपको फार्माकोग्नोसिस सेकेंड के सब्जेक्ट में पढ़ना है। ये सब आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ने को मिलने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है। मेटाबॉलिक पाथवे इज ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कन्वर्ट द मॉलिक्यूल्स इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। देखो मेटाबॉलिक पाथवे क्या होती है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है, एक सीरीज होती है केमिकल रिएक्शंस की, दैट अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी सीरीज जो है केमिकल रिएक्शंस की हो रही होती है, जो कि हमारे मॉलिक्यूल्स को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ऐसे प्रोसेस को, ऐसे पाथवे को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे क्या है हमारा, जिसके थ्रू ये कई सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, खासकर प्लांट्स CO2 और CO2 को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपनी रूट से जल को लेते हैं, उसके बाद सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, अपना भोजन बनाते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे ग्लाइकोसाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ये जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स भी बनाते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हमारा क्या बनाता है, PEP बनाता है, यानी फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बनाता है। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट फर्दर पाइरूविक एसिड में बदल जाता है, जो पाइरूविक एसिड है वो एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाएगा, फिर फर्दर ये क्या करेगा, सिट्रिक एसिड साइकिल है जो TCA साइकिल बोलते हैं, वो उसमें जाके क्या बनाएंगे, एलिफेटिक अमीनो एसिड्स बनाएंगे। और जो एलिफेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, वो एलिफेटिक अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, हमारे एल्कलॉइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो एल्कलॉइड्स हैं ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, और इस पाथवे के थ्रू आपके ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पर आपने देखा कि जो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट है वो सिकमिक एसिड पाथवे में जाके क्या करता है, हमारे फ्लेवोनाइड, वोलेटाइल ऑयल्स, एरोमेटिक एसिड्स, और फिर उनसे क्या करते हैं, एल्कलॉइड्स बनते हैं। एरोमेटिक एसिड से भी हमारे एल्कलॉइड्स बनते हैं सिकमिक एसिड पाथवे के थ्रू। अब यहीं पर देख लो, यहां पर क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, ग्लाइकोसाइड्स बनाते हैं, ठीक है। अभी आगे आप पढ़ोगे, ग्लाइकोसाइड क्या करते हैं, एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट में चेंज हो जाते हैं, जो कि फर्दर सिकमिक एसिड पाथवे में जाते हैं, और ये इतने ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, इनको प्रोड्यूस करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। और यहाँ पर आप देख रहे थे कि पाइरूविक एसिड से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा था, और जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो क्या करता है, वो मेलनिक एसिड में चेंज हो जाता है, इसको हम एसिटेट पाथवे भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस पाथवे के थ्रू हमें स्टेरॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, टर्पेनॉइड्स, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं। तो मतलब इन पाथवे को पढ़ने का मतलब यही है कि इन प्रोसेस के थ्रू, इन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में अलग अलग फॉर्म में चेंज हो रहे हैं और हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिल रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही था कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या है। और मैं आपको बता दूं, आगे आने वाले लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे कि सिकमिक एसिड पाथवे क्या होता है, इससे कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं, और एसिटेट पाथवे क्या होता है, आइसोप्रिनोइड्स पाथवे क्या होता है, ये सारे जो पाथवे हैं आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहीं पे मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे गया, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आप आगे क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और
मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है। तो गाइज हमने ये वाला टॉपिक बिल्कुल कवर कर लिया है, मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिटरमिनेशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, ब्रीफ स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। हमने बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे देख लिया क्या होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स थ्रू दीज पाथवे। अब देखो इन पाथवे जैसे कि सिक्मिक एसिड पाथवे, एसिटेट पाथवे, एमिनो एसिड पाथवे, इनके थ्रू कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं वो अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, ये वाला टॉपिक कवर कर लिया है। अब हम देख लेते हैं कि सिक्मिक एसिड पाथवे क्या होता है। दिस पाथवे इज यूज्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड्स एंड विच फर्दर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक एल्कलॉइड्स एटसेट्रा। देखो सिक्मिक एसिड पाथवे से हमें क्या क्या मिलता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एरोमेटिक एसिड्स होते हैं जैसे कि एल्कलॉइड्स, इनको सिंथेसाइज करने के लिए ये सिक्मिक एसिड पाथवे का यूज किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सिक्मिक एसिड पाथवे क्या होता है। सिक्मिक एसिड पाथवे एक ऐसा पाथवे होता है जिसके थ्रू हमें क्या मिलते हैं, एल्कलॉइड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं। और किससे हमें सिंथेसाइज होकर मिलेंगे, एरोमेटिक अमीनो एसिड से हमें ऑब्टेंड होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि सिक्मिक एसिड पाथवे में होता क्या है जिसके थ्रू हमें एल्कलॉइड्स मिलते हैं। देखो सिक्मिक एसिड पाथवे में होता क्या है, इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट यानी PEP क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ DAHP सिंथेज एंजाइम, जो कि क्या करता है इस एंजाइम की मदद से ये दोनों क्या होते हैं, DAHP यानी 3-deoxy-D-arabinohydrochloric एसिड 7-फॉस्फेट में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो हमें एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट था वो हमें फ्रॉम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से मिला, और जो हमारा जो पीईपी है वो ग्लाइकोलिसिस पाथवे से मिला। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जो डीएचपी हमारा बना है, डीएचपी में क्या होगा, साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी, यानी कि आपको ये जो चेन फॉर्म में दिख रहा है ये साइकिल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब ये किस एंजाइम की मदद से होता है, 3-dehydroquinone सिंथेसिस एंजाइम की मदद से साइक्लाइजेशन प्रोसेस के थ्रू डीएचपी 3-dehydroquinic एसिड में चेंज हो जाता है। तो अगर आप इसको एक पॉइंट वाइज में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, जो डीएचपी है हमारा वो 3-dehydroquinic एसिड में बदल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ 3-dehydroquinic सिंथेसिस एंजाइम की मदद से, और इसमें साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है जिसकी मदद से क्या होता है, 3-dehydroquinic एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, जो 3-dehydroquinic एसिड है वो फर्दर क्या होता है, उसमें डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब उसमें जो वाटर होता है वो निकल जाता है। जब वाटर निकल जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, 3-dehydrosiccemic एसिड बनता है। अब देखो ये जो चेन है इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारा COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, और यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। अब इसमें से माइनस H2O करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे OH चला जाएगा, तो जो ये जो है मेन की कार्बन पे COOH लगा है, और यहाँ पर जब OH जाएगा तो यहाँ पे एक हमारा एक बॉन्ड लग जाएगा, तो यहाँ पर ये बॉन्ड लग गया, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जो 3-dehydrosiccemic एसिड हमारा बना है वो सिकमेट डिहाइड्रोजिनेज की एंजाइम की मदद से वो सिकमिक एसिड में बदल जाता है। तो अभी आपने ऊपर देखा कि ये जो स्ट्रक्चर था यहाँ पर दो OH ग्रुप लगे थे, एक कीटोन ग्रुप लगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा। जब यहाँ पर ये 3-dehydrosiccemic एसिड जो बना था तो वो सिकमेट डिहाइड्रोजिनेट के एंजाइम की मदद से क्या होगा, वो हमारा सिकमिक एसिड में चेंज हो रहा है। अब इसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आया, यहाँ पर जो हमारे डबल बॉन्ड लगे थे, कीटोन ग्रुप बना था, उसमें क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, मतलब यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH ग्रुप लग जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और फर्दर क्या होता है, जो हमारा सिकमिक एसिड होता है वो सिकमेट काइनेज एंजाइम की मदद से किसमें चेंज हो जाता है, सिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 OH ग्रुप लगे हैं, ऊपर COOH लगा है, तो जब सिकमेट काइनेज एंजाइम की मदद से ये सिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट में चेंज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो H है वो H हाइड्रोजन हटके वहां पर फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा। यहाँ पर इसीलिए P लिखा है, P आपका क्या दर्शा रहा है, फॉस्फेट ग्रुप को शो कर रहा है। अब जो हमारा सिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट बना था वो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट सिंथेज एंजाइम की मदद से 3-इनोल पाइरुविल सिकमिक एसिड 5-फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। पिछले स्ट्रक्चर में हमारा यहाँ पर क्या था, OH ग्रुप लगा था, H हटके ये वाला हमारा ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, तो ये कोरिलेट करके आप पढ़ते रहना। अब जो हमारा 3-इनोल पाइरुविल सिकमिक एसिड 5-फॉस्फेट है वो फर्दर कोरिसिमेट सिंथेज एंजाइम की मदद से किसमें चेंज हो जाएगा, कोरिसिमिक एसिड में चेंज हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, जो फॉस्फेट ग्रुप था हमारा
फॉस्फेट ग्रुप हट गया है, बाकी जो स्ट्रक्चर है पूरा सेम है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसको पीछे वाले जो स्ट्रक्चर हैं उनको रिमाइंड करते रहेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बन गया, हमारा कोरिस्मिक एसिड बन गया है जिसको हम कोरिस्मेट भी कहते हैं। अब जो कोरिस्मिक एसिड है उसमें दो रिएक्शंस होंगी। पहला, ये कोरिस्मेट म्यूटेज एंजाइम की मदद से क्या करेगा, प्रीफेनिक एसिड में चेंज हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा OH ग्रुप लगा है नीचे वाले पैरा पोजीशन पे, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप आ गया। ठीक है, बाकी जो स्ट्रक्चर था हमारा क्या है, मेटा पोजीशन पे लगा था तो वो की कार्बन पे पहुंच गया है। इस स्ट्रक्चर में बस इतना ही डिफरेंस आया है। आप लोग को स्ट्रक्चर आसानी से याद हो सकते हैं, मैं आपको इसीलिए कोरिलेट करके पढ़ा रहा हूं। अब देखो इसमें क्या हुआ, जो हमारा कोरिस्मिक एसिड था वो क्या हुआ, कोरिस्मेट म्यूटेज एंजाइम की मदद से प्रीफेनिक एसिड में चेंज हो गया। तो आपको बस क्या करना है, इनके नाम याद रखने हैं, बाकी स्ट्रक्चर एक बार आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब पहली रिएक्शन में ये हो गया, अब दूसरी रिएक्शन में क्या होगा, ये जो कोरिस्मिक एसिड है वो एंथ्रानिलिक एसिड सिंथेज एंजाइम की मदद से एंथ्रानिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आया, इसके स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस आया कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था वो की कार्बन से हटके हमारा किसमें ऑर्थो पोजीशन पे लग गया, बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर हटके यहाँ मेटा पोजीशन पे NH2 एमीन ग्रुप लग गया है। ठीक है, तो ये एंथ्रानिलिक एसिड हमारा बन गया है। अब जो हमारा प्रीफेनिक एसिड बना था वो फर्दर दो एंजाइम की मदद से अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो प्रीफेनिक एसिड प्रीफेनेट डिहाइड्रेटेज एंजाइम की मदद से फिनाइल पाइरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा, वहीं प्रीफेनिक फिर से ये जो हमारी रिएक्शन करेगा प्रीफेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से 4-हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा। इसमें क्या डिफरेंस है, देखो इस एंजाइम की मदद से चेंज हो रहा था तो फिनाइल पाइरुविक एसिड बना था, इसमें क्या होगा, फिनाइल पाइरुविक एसिड होगा बस 4-हाइड्रोक्सी मतलब 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रीफेनिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर की कार्बन पे COOH लगा है, तो इसमें जो हमारा फिनाइल पाइरुविक एसिड जो बनेगा, फिनाइल पाइरुविक एसिड में क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर जितने ग्रुप लगे हैं ये सब हट जाएंगे, की कार्बन पे आपका ये ग्रुप रहेगा। तो यहीं पर आप देख सकते हो फिनाइल पाइरुविक एसिड में क्या हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, बाकी जो हमारा 4-हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुविक एसिड बना था तो वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस फोर्थ पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे। अब जो हमारा 4-हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुविक एसिड है वो फर्दर टायरोसिन अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम की मदद से क्या करेगा, वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा यही सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमें चाहिए था जो कि हमारा बन चुका है। ठीक है, अब जो फर्दर हमारा जो एंथ्रानिलिक एसिड बना था इस एंजाइम की मदद से, मतलब एंथ्रानिलिक एसिड सिंथेसिस के एंजाइम की मदद से जो कोरिस्मिक एसिड है हमारा चेंज हुआ था एंथ्रानिलिक एसिड में, वो अब देखो क्या होगा, उस वो फर्दर हमारा जो है कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्टोफेन में, जो कि जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको याद रख सकते हो, आपकी इच्छा है ना याद करो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो हमारा जो फिनाइल पाइरुविक एसिड बना था वो फर्दर क्या होगा, फिनाइल एलेनिन अमीनो ट्रांसफेरेज की एंजाइम की मदद से फिनाइल एलेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, यहाँ पर की कार्बन पे आपका ये वाला ग्रुप लगा है, वो सेम ग्रुप लगा है, बस यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर जो ओ ग्रुप है वो हट गया है, डबल बॉन्ड हट गए हैं, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड हटेंगे तो एक एच ग्रुप लग जाएगा और बाकी यहाँ पर NH2 लग जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे फिनाइल एलेनिन। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि सिकिमिक एसिड पाथवे में आपका क्या क्या बना है। सिकिमिक एसिड पाथवे में आपका ट्रिप्टोफेन बना है, फिनाइल एलेनिन बना है, टायरोसिन बना है। तो मैंने यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स में बिल्कुल आसान भाषा में लिख दिया है, तो आप खुद से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, बस स्ट्रक्चर को कंक्लूड करके ये थ्योरी आप पढ़ना तो आपको याद हो जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पर आपको पढ़ के बता देता हूँ जिससे आपको रिकॉल हो जाएगा फिर से। ठीक है, देखो सिकमिक एसिड पाथवे में क्या होता है हमारा, वो किससे स्टार्ट हो रहा था, वो एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, बिच ऑन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि हमारी कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू क्या हो रहा था, DAHP यानी 3-डीऑक्सी-डी-एरबिनो हेप्टुलोसोनिक एसिड 7-फॉस्फेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द DHP सिंथेस एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा था कि जो एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, वो किसमें चेंज हो जाता है, DHP में विद द हेल्प ऑफ DHP सिंथेस एंजाइम की मदद से चेंज हो जाता है। फिर अगला स्टेप क्या होता है हमारा, जब ये DHP बन जाता है, आफ्टर दिस साइक्लाइजेशन रिएक्शन ऑफ DHP अकर्स, इसके बाद क्या होता है, जो हमारी DHP बना है उसमें क्या होती है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ द 3-डीहाइड्रोक्विनोन सिंथेसिस एंजाइम। जब इस एंजाइम की मदद से साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है DHP की, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3-डीहाइड्रोक्विनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होता है तीसरे स्टेप में, नाउ डिहाइड्रेशन रिएक्शन अकर्स,
अब इसमें क्या होगा, 3-dihydroquinic acid है, उसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, इन विच 3-dihydroquinic acid चेंज इनटू 3-dihydrosigmic acid। देखो डिहाइड्रेशन रिएक्शन की मदद से 3-dihydroquinic acid जो होता है हमारा वो 3-dihydrosigmic acid में चेंज हो जाता है, अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा था। अब इसके बाद क्या होता है, जो हमारा 3-dihydrosigmic acid होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, सिग्मिक एसिड में, विद द हेल्प ऑफ सिकमेट डिहाइड्रोजिनेट एंजाइम। मतलब जो हमारा जो 3-dihydrosigmic acid था वो सिकमेट डिहाइड्रोजिनेट एंजाइम की मदद से सिकमिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब जो हमारा क्या बना है, सिकमिक एसिड बना है, ठीक है। अब सिकमिक एसिड के साथ क्या होगा, नाउ सिकमिक एसिड गिव्स 3-enolpyruvyl सिकमिक एसिड 5-phosphate विद द हेल्प ऑफ सिकमेट काइनेज एंजाइम थ्रू फास्फोराइलेशन रिएक्शन। देखो अब सिकमिक एसिड में क्या होता है, हमारी फास्फोराइलेशन रिएक्शन होती है किसकी मदद से, सिकमिट एसिड काइनेज एंजाइम की मदद से, जिससे क्या होता है हमारा 3-enolpyruvyl सिकमिक एसिड 5-phosphate बनता है, ठीक है। अब नाउ दिस 3-enolpyruvyl सिकमिक एसिड 5-phosphate कन्वर्ट इंटू कोरिस्मिक एसिड विद द हेल्प ऑफ द कोरिस्मेट सिंथेस एंजाइम। Now this 3-enolpyruvyl सिकमिक एसिड 5-phosphate कन्वर्ट इंटू कोरिस्मिक एसिड विद द हेल्प ऑफ कोरिस्मेट सिंथेस एंजाइम। अब जो देखो हमारा जो 3-enolpyruvyl सिकमिक एसिड 5-phosphate बना था वो कोरिस्मेट सिंथेस एंजाइम की मदद से कोरिस्मिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये स्टेप याद रखने हैं, बाकी जो एंजाइम्स हैं वो आपको याद हो जाएंगी जब आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है हमारा, द फॉर्मेशन ऑफ कोरिस्मिक एसिड इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच पॉइंट इन द सिकमिक एसिड पाथवे। अब जो हमारा कोरिस्मिक एसिड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसी से आपने देखा था कई सारी अलग अलग रिएक्शन होके हमारे टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, एंथ्रेलिनिक एसिड बन रहे थे, ठीक है। बिकॉज दिस कंपाउंड गिव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, आपने अभी देखा कि ये कंपाउंड की मदद से हमारे कितने मॉलिक्यूल्स बने थे, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, कोरिस्मिक एसिड कन्वर्ट इनटू एंथ्रेलिनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ द एंथ्रेलिनिक एसिड सिंथेस एंजाइम। अब जो हमारा कोरिस्मिक एसिड होता है उसमें दो रिएक्शन होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये जो एंथ्रेलिनिक एसिड सिंथेस एंजाइम है इसकी मदद से कोरिस्मिक एसिड एंथ्रेलिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या होता है, एंथ्रेलिनिक एसिड जो हमारा होता है वो ट्रिप्टोफेन, यानी ट्रिप्टोफेन क्या है, एक अमीनो एसिड है, उसका प्रिकर्सर होता है, मतलब एंथ्रेलिनिक एसिड हमारा ट्रिप्टोफेन को बनाता है। अब कोरिस्मिक एसिड की दूसरी रिएक्शन होती है, क्या होती है वो, कोरिस्मिक एसिड गिव्स प्रीफेनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ द कोरिस्मेट म्यूटेज एंजाइम। आपने देखा था कि कोरिस्मिक एसिड क्या कर रहा था, हमें प्रीफेनिक एसिड बना रहा था, कैसे बना रहा था, विद द हेल्प ऑफ द कोरिस्मेट एंजाइम, कोरिस्मेट म्यूटेज एंजाइम की मदद से ये प्रीफेनिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा था। इसके बाद क्या हुआ था, नाउ दिस प्रीफेनिक एसिड गिव फिनाइल पाइरुविक एसिड विद द हेल्प ऑफ द प्रीफेनेट डिहाइड्रेटेज एंजाइम, ठीक है, थ्रू एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। देखो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन के थ्रू ये क्या कर रहा था, प्रीफेनिक एसिड को फिनाइल पाइरुविक एसिड में चेंज कर रहा था विद द हेल्प ऑफ द प्रीफेनेट डिहाइड्रेटेज एंजाइम। मतलब प्रीफेनेट डिहाइड्रेटेज एंजाइम की मदद से प्रीफेनिक एसिड फिनाइल पाइरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, विच फर्दर ऑन ट्रांसएमिनेशन गिव्स फिनाइल एलेनिन, जो कि बाद में क्या कर रहा था, हम ट्रांसफेरेशन जो अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम की मदद से फिनाइल एलेनिन में चेंज हो गया था, आपने पीछे देखा है, आप लेक्चर पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। अब फर्दर क्या रिएक्शन हुई थी हमारी, जो प्रीफेनिक एसिड है वो दो रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया था, पहली फिनाइल पाइरुविक एसिड में, ठीक है, और दूसरी 4-hydroxyphenyl पाइरुविक एसिड में, आपको याद होगा अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो अब देख लेते हैं, ऑन एरोमेटाइजेशन रिएक्शन प्रीफेनिक एसिड आल्सो गिव 4-hydroxyphenyl पाइरुविक एसिड विद द हेल्प ऑफ द प्रीफेनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। मतलब जो प्रीफेनिक एसिड हमारा था वो प्रीफेनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से 4-hydroxyphenyl पाइरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, जो कि फर्दर क्या होता है, उसमें जो अमीनो ट्रांसफेरेंस एंजाइम की मदद से टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब नोट यहां पर क्या लिखा है, टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन बोथ एक्ट एज ए प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, ठीक है। अब जो हमारे टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन है वो क्या है, हमारे प्रिकर्सर है किसके, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स के, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, लिग्निन, टी एंड रूटा, इनसे क्या होता है, हमारा फिनाइल प्रोपेनॉइड्स मिलता है। तो आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, तो लेक्चर काफी लेंदी हो गया है, इसको आप रिपीट करके जरूर देखिएगा, इसमें कई सारे टर्म्स हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं,
केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो उनके नाम है मॉलिक्यूल्स के, उनको याद रखना और साथ में स्ट्रक्चर को कंक्लूड करते हुए चलना, जिससे कि आप स्ट्रक्चर को भी याद कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, बाकी हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हो, रिविजन कर सकते हो। आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो नाम है इनको याद रखना और जो उनकी एंजाइम है, बाकी स्ट्रक्चर अगर आप पहला स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं उनको फिर आप रिलेट करके कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या चेन रिएक्शन थी, यहाँ पर एरोमेटाइजेशन हो गया, एरोमेटाइजेशन होने के बाद थोड़े ग्रुप यहाँ से हटके यहाँ पर क्या हो गया, OH ग्रुप हट गया, डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ से क्या हुआ ये हट जाएगा, आपका ऑक्सीजन हट जाएगा, OH लग जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। ऐसे यहाँ छोटे मोटे यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, जैसे अब यहाँ पर OH है, OH में अब देखो यहाँ पर OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन हट जाएगा, हमारा फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर को याद कर सकते हो, बाकी मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हम सिकमिक एसिड पाथवे को ही कंप्लीट करेंगे। अगर मैं एसिटेट पाथवे को कंप्लीट करता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, लेक्चर भी लेंदी हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए हम इसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बाकी अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसी के साथ चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।